इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी के मामले में अब सपा सत्याग्रह करने जा रही है और सपा का आरोप है कि लगातार विपक्ष को सताया जा रहा है, झूठे इल्जामों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। विधायक सोलंकी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध सपा के द्वारा किया जा रहा है। सपा ने सत्याग्रह शुरू किया जो कि नए साल की शुरुआत में ही इसकी शुरुआत सत्याग्रह से की जा रही है। विपक्ष के उत्पीड़न के खिलाफ सपा का यह सत्याग्रह है, 24 घंटे का प्रदर्शन करने जा रही है सपा। कल दोपहर 12 बजे तक ये सत्याग्रह किया जाएगा। विधायक अमिताभ वाजपेयी के द्वारा उनकी अगुवाई में इसे प्रारंभ किया जा रहा है। इरफान सोलंकी के पक्ष में सपा का सत्याग्रह विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में प्रारंभ हुआ है। सत्याग्रह 24 घंटे का प्रदर्शन करने जा रही है सपा, कल दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा ये सत्याग्रह। विधायक सोलंकी, इरफान सोलंकी के पक्ष में सपा का सत्याग्रह है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पड़ोसी महिला का घर जलाने संबंधी तमाम आरोपों के केस उन पर दर्ज हैं, जिसकी वजह से वो फरार हो गए थे। उसके बाद उनके भाई और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। अब इस पूरे मामले पर केस चल रहा है, इसी के कारण यहाँ पर विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगाया है। अधिक जानकारी जीबा खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीबा, जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को, इरफान सोलंकी पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद अब इतना लेट क्यों? आखिर सत्याग्रह करना था तो उस वक्त ही करना था, लेकिन इतना लेट शुरू कर रहे हैं विधायक अमिताभ वाजपेयी के द्वारा कि अब एक 24 घंटे का, एक दिन का लगभग सत्याग्रह किया जाएगा। क्या मकसद है, क्या साबित करना चाहते हैं, और फिर आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई? जब उन पर आरोप हुए थे, जब वो जेल गए थे, तभी ये सत्याग्रह करना चाहिए था, तो शायद कुछ दम भरता है सत्याग्रह में। देखिए, इस मामले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि शायद जो विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं वो सपा मुखिया के कानपुर आने का इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव जो है जब इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे तो हो सकता है उनकी कुछ मुश्किलों में कमी आए। लेकिन इसके उलट हुआ, जब जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव ने मुलाकात करी तो उसके बाद जो है उनके खिलाफ दो मुकदमे और जो है दर्ज हो गए और उसके बाद उनकी ना सिर्फ जो है जेल भी बदल दी गई। अब इसके बाद जो है कानपुर पुलिस ने सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में भी जो है चार्जशीट दाखिल करने की फिराक में लगी हुई है। इन सब चीजों को लेकर जब तक विधायक अमिताभ वाजपेयी को ये मुतमईनी थी, ये जो है संतुष्टि थी कि जो अखिलेश यादव आएंगे तो उनका जो विधायक है उसके लिए कुछ ना कुछ जो है कहीं रियायत होगी, लेकिन लगातार उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। और इधर जो कानपुर पुलिस है अब चार्जशीट लगाने वाली है गैंगस्टर को लेकर, तो इन सबको देखते हुए ये इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि इसलिए उन्होंने जो है लेट सत्याग्रह की शुरुआत करी है। बिल्कुल जीबा, लेकिन जिस तरह से पूरे मामले को देखा जाए, विधायक सोलंकी जो हैं जेल में हैं, सपा कहीं ना कहीं खुद को बैकफुट पर ले गई है इस पे। जिस तरह से अखिलेश यादव कोई भी ऐसा जब मामला आता था खुलकर सामने आते थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ना खुलकर कोई स्टेटमेंट दिया ना खुलकर सोलंकी के पक्ष में आए। जी बिल्कुल, जहां तक देखा जाए तो विधायक के खिलाफ जाजमो में दर्ज आगजनी और ग्वालटोले में भी फर्जी आधार से हवाई यात्रा करने के मामले में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। इसके अलावा गैंगस्टर को भी लेकर तैयारी है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पर ले गए हैं, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं उनका जो विधायक है वो दोषी है। अगर इस तरीके से वो विधायक की पैरवी भी करते हैं तो लगातार लोग उन पर उंगली उठा सकते हैं कि गलत आदमी की वो पैरवी कर रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीबा। हमारे सहयोगी जीबा ने जो जानकारी दी है कि जिस तरह से कानपुर में अखिलेश यादव पहुंचे थे, शायद इस बात का इंतजार विधायक अमिताभ को था कि शायद तब अगर वो इस प्रकार के कोई सत्याग्रह करते हैं तो जाहिर है कि अखिलेश यादव की नजरों में भी उनकी कहीं ना कहीं कद बढ़ेगा या नामवरी होगी, और साथ ही साथ एक पक्ष भी रखा जाएगा जो कि वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जबरन फंसाया जा रहा है और उत्पीड़न किया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं का। ठीक उसी तरीके से कहा जा सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी अगर ये कहा जाए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सपा मुखिया ही यानी कि अखिलेश यादव ही खुद पीछे हट गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला है, जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, जाहिर है कि अखिलेश यादव इसमें हाथ नहीं डालेंगे।